हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमेशा पॉलिटी में ये हमेशा आता रहता है। जैसे हम लोग कोई पॉलिटी का सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा आता रहता है, ये क्या है, राजतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, और विश्व में जो है कि जो भी देश हैं उनमें किस प्रकार से कैसे कैसे शासन किया जाता है, शासन के प्रकार क्या है। इन सभी पे जो शब्द होते हैं हम लोग को बहुत ज़्यादा भ्रमित करते रहते हैं। हम लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, भाई ये लोकतांत्रिक क्या है, गणतांत्रिक क्या है, राजतंत्र, धर्मतंत्र, तानाशाही क्या होती है, और ये जो सैन्य शासन होता है ये सब क्या होता है। इन सभी पे जो बातों को हम लोग हमेशा जो है घिरे रहते हैं, फंसे रहते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, इन सभी पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये राजतंत्र क्या होता है। दोस्तों, राजतंत्र जैसा इसके नाम से ही छुपा है, यहाँ जो भी शासन करने वाला होता है वो राजा होता है, यानी शासन करने वाला राजा होता है, और वह वंशानुगत होता है, यानी जनता वहाँ नहीं डिसाइड करेगी कि शासन कौन करेगा, बस राजा है और राजा शासन कर रहा है, वो मर जाएगा तो उसका बेटा, इसी तरीके शासन चलता रहेगा, यही होता है राजतंत्र, यानी यहाँ जो है यही होता है, ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत, और ये वंशानुगत होता है। और इसमें ये होता क्या है कि पूरा का पूरा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो देश ये होते हैं हमारे, जैसे भारत में एक कार्य विधायिका जो है कानून बनाएगी, विधायिका उसे लागू करेगी, और न्यायपालिका उस कानून के जो कमियाँ होती हैं उसको कमियाँ दूर करेगी, न्याय दिलाएगी, इस पर काम करती है। लेकिन यहाँ क्या होता है दोस्त, राजतंत्र में होता क्या है कि पूरा का पूरा राजा होता है, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही लागू करेगा, और राजा ही न्याय करेगा, क्या होगा पूरा का पूरा इसी के हाथ में रहता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा चोर करके आए, उसके सिपाही पकड़ कर ले आए, राजा साहब ये चोर है, इसे देखिए यही सामान चोरी किया है, तो राजा का मूड मान लीजिए बीवी से रोमांस कर रहा हो उस समय, तो उस समय उसका मूड मान लीजिए बहुत ही फ्रेश है, तो देखा कहा यार क्यों चोरी करते हो, छोड़ो उसको जाने दो, अच्छा आज के बाद चोरी मत करना, छोड़ दिया। तो मान लीजिए फिर बिहान भर सोचा यार राजा तो छोड़ दिए, तो फिर जाके उस दिन से चोरी करेगा, तो सोचेगा राजा छोड़ ही देंगे। फिर मान लीजिए उसको सिपाही पकड़ कर लाए, तो वो लोग बोले साहब आज ये फिर चोरी किया है, तो उसका मान लीजिए उस दिन बीवी से बहुत ज़्यादा उसका तालमेल नहीं था, कुछ मान लीजिए कोई मैटर रहा होगा, मूड उसका सही नहीं, बहुत ज़्यादा उसका मूड गर्म है, तो उस दिन क्या करेगा, कह देगा कि भाई ले जाओ इसे बलि चढ़ा दो, तो उस समय जब उसका हो जो बलि चढ़ जाएगा, यानी उसका पूरा का पूरा राजा के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शासन कैसे करेगा, कानून क्या बनाएगा, कैसे लागू करेगा, क्या न्याय करेगा, पूरा का पूरा उसके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। जनता क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके मूड पर डिपेंड करता है कि राजा क्या कर सकता है, यही होता है राजतंत्र। इसी से संबंधित एक होता है दोस्तों तानाशाही। तानाशाही की अगर हम बात करें, जो तानाशाही होती है ना, तो तानाशाही भी इसी तरह से होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है तानाशाही वंशानुगत हो, ये ज़रूरी है राजतंत्र जो होता है इसमें ज़रूरी है, राजा आएगा, राजा के बाद उसका बेटा आएगा, बेटे के बाद उसका पोता आएगा, पोते के बाद नोता आएगा, लेकिन राजतंत्र में ये तानाशाही में ज़रूरी नहीं होता है। तानाशाही इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तानाशाही तो जैसे हम लोग कहते हैं जो चाइना का किंग जोन है वो जो है तानाशाही है, तो वो क्या करता है, एक बार उसके मीटिंग हो रही थी और उसके चाचा भी थे उस मीटिंग में, और वो चाचा उसके मान लीजिए सोने लगे उस मीटिंग में, तो क्या किया, दो बार अटेंशन करके बुलाया, और चाचा भाई नींद में थे, मस्त थे, नहीं सुने, और तुरंत पिस्टल निकाला, मार दिया दो गोली, तुरंत उनका खेला ख़त्म हो गया। तो ये होता है तानाशाही, यानी अपने के अलावा सबको कीड़ा मकोड़ा, जनता कोई भी हो अपने अलावा सबको कीड़ा मकोड़ा समझता है, कुछ नहीं समझता है, यही होता है तानाशाही। और इसी से रिलेटेड एक सैन्य शासन होता है। सैन्य शासन क्या होता है, वहाँ सेना का प्रमुख हो जाता है, शासन कराता है उस किसी देश में, जैसे म्यांमार में लगा है सैन्य शासन, वहाँ क्या होता है चाहे सेना का प्रमुख शासन करे या उसी सेना के कई लोग ग्रुप मिलाकर वहाँ का शासन चलाएं, तो ये होता है सैन्य शासन। अगर हम लोग ये अब बात करते हैं ये धर्मतंत्र, धर्मतंत्र क्या होता है दोस्त, ये जो धर्म के आधार पर जो शासन जहाँ किया जाता है, क्या किया जाता है, धर्म के आधार पर, जहाँ धर्म के आधार पर शासन किया जाता है उसे हम लोग धर्मतंत्र कहते हैं। देश कहाँ जा रहा है, कितना विकसित हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या कह रही है, नए युग के साथ नए जमाने के साथ नई मांग क्या है, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इन लोगों को जो धर्म इनके आजा पुरखा जो धर्म में लिख कर चले गए हैं, धर्म में कहा गया है,
बस उसी के हिसाब से यहाँ का शासन चलाया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि हम कहाँ खड़े हैं, विश्व कहाँ खड़ा है, इनसे ज़्यादा फर्क ये नहीं पड़ता। बस ये धर्मतंत्र, जैसे अभी मान लीजिए भारत अभी धर्मतंत्र अपना ले, तो भारत के भाई हम संविधान से नहीं, गीता रामायण और ये जो है महाभारत, इससे इसमें जो लिखा गया है हम इससे चलाएंगे, तो यही हो जाएगा, तब धर्मतंत्र हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ संविधान से चलता है तो ऐसा नहीं है। तो कई ऐसे जो है पश्चिमी जो है देश हैं, मिडल वाले जो अरब देश हैं, उनमें जो है ये धर्मतंत्र, कई देश वहाँ के ऐसे धर्म शासन के द्वारा चलाया जाता है। तो यही होता है धर्म, उनके धर्म में क्या कहा गया, उनके धर्म में क्या लिखा गया है कि कोई जैसे एक बार ये गलती कर देगा तो उसे बलि चढ़ाया जाएगा, कोई 60 साल के ऊपर का बीमार हो गया तो उसे ले जाकर पहाड़ों पर से ढकेल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरीके से जो है धर्म में कहा गया है, जो जो है पुरानी पारंपरिक बातें हैं, जो अंधविश्वास की बातें हैं, ये इनमें को इसमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, ये इसी पर डिपेंड करते हैं। अगर अब हम लोग दोस्त बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा, जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए, यही होता है। यानी यहाँ शासन कौन करेगा, यह जनता डिपेंड करती है। यहाँ का पूरा जो है मेन, यानी जनता जिसे चाहेगी उसे शासन करने का मौका देगी, और या जनता अगर जिसे नहीं चाहेगी तो उसे नहीं देगी। यानी पूरा का पूरा यहाँ ये हो जाता है, ये लोकतंत्र, यही होता है लोकतांत्रिक देश में। यानी पूरा का पूरा सत्ता किसके हाथ में जाएगी, ये जनता पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग इस पर बात करें अगर गणतंत्र पे, तो गणतंत्र भी इसी तरह से होता है। इसका उदाहरण एक हो जाता है दोस्त इंग्लैंड, अगर हम लोकतांत्रिक की बात करें तो इंग्लैंड इसमें और इसमें क्या फ़र्क है अभी हम बताते हैं, पहले इसको अब बता दें गणतंत्र में क्या होता है। तो गणतंत्र में भी यही होता है कि सत्ता कौन चलाएगा, शासन कौन करेगा, पूरा जनता डिपेंड करती है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये वंशानुगत हो सकता है, यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो वंशानुगत हो सकता है। यानी यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है, यानी वंश के आधार पर राष्ट्र प्रमुख जो है वंशानुगत होता है यहाँ। लेकिन यहाँ राष्ट्र प्रमुख या कोई छोटे से लेके बड़े नेता तक कोई जो है वंशानुगत नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है भारत जो है गणतांत्रिक देश है, यानी यहाँ गणतंत्र हो गए हैं हम लोग। यानी जैसे लोग इंग्लैंड में देख लिया जाए तो वहाँ जो है वहाँ के जो मेन मुखिया हैं, जैसे कहा जाता है महारानी जो हैं, वो जो है वो वंशानुगत है, वो उनके रहेंगी, उनका बेटा बेटी आएंगे तो रहेंगे, उनका बेटा बेटी आएंगे तो रहेंगे। लेकिन क्या होता है, उसके नीचे के जितने पद हैं उनके लिए चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से सब लोग चुने जाएंगे। यानी जो राष्ट्र के प्रमुख है, जो टॉप पे बैठी हैं, उनका चुनाव नहीं होगा, वो वंशानुगत रहेंगी, उनके नीचे के जितने लेवल के हैं उनका चुनाव होगा। ये हो जाता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक भारत कहा जाता है, भारत बहुत पहले लोकतांत्रिक बन गया था। जैसे हम लोग कहें अगर 1920 के आसपास काफ़ी लोगों को मताधिकार दे दिया गया था, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, भले से महिला किसान मजदूर गरीब को नहीं दिया गया था, जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनको जो है ये वोट करने का अधिकार दे दिया गया था। तो भारत बहुत पहले गणतांत्रिक हो गया था, लेकिन लोकतांत्रिक संविधान जो है बनने के बाद हुआ। तो अब हम चलते हैं ये देख लेते हैं गणतंत्र। गणतंत्र हम लोग देख लिए दोस्त, यहाँ का राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी वंशानुगत नहीं, यानी राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो वंशानुगत हम लोग यहाँ नहीं करते। जैसे राष्ट्रपति भी होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, हालांकि जनता प्रत्यक्ष रूप से उसे नहीं चुनती है, जिसे जनता चुनती है राष्ट्रपति को वो लोग चुनते हैं, यानी जो है जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी शासन करने की जो संस्थाएँ हैं वो उनको जनता चुनती है सीधा सीधा। यही हो जाता है लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है, जनता चुनती है शासन कौन करेगा, लेकिन जो टॉप पे बैठा रहेगा वो वंशानुगत होकर नीचे जो है जनता जो है उनको चुनेंगे। अगर हम लोग इस पर बात कर ले गणतंत्र पे, तो गणतंत्र में क्या होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों का चुनाव होगा, कोई वंशानुगत नहीं होगा, ये हो जाता है गणतांत्रिक देश। इसमें जो है ऐसे भारत आ गया, ये इंग्लैंड हो गया, इसमें हम लोग भारत रख सकते हैं, अमेरिका रख सकते हैं, तो इन सभी जो है हम लोग ऐसे ऐसे भारत अमेरिका और इन सभी के जो देश हैं इसमें रख सकते हैं। तो यही हो गया दोस्त, हम लोग देख लिए राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र, और इसमें हम लोग जो भी और सभी बातें था उसमें चर्चा किए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।